नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हाल आज पाकिस्तान और चीन का है। पाकिस्तान तो आज पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग है, कटा हुआ है, लेकिन चाइना जहां भी है पाकिस्तान को हर मंच पे घुसाने का प्रयास करता है, वहां पे मेंबर दिलवाने का प्रयास करता है। और अब की बार चीन ने वो गलती कर बैठा है दोस्तों। इस गलती से ब्रिक्स टूट जाएगा, हो सकता है भारत हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका यूरोप के ग्रुप में चला जाए, G7 में शामिल हो जाए, भारत नेटो में शामिल हो जाए। दोस्तों भारत के सामने में मौका पाकिस्तान और चाइना ने दे दिया है। बड़ी बात यह दोस्तों, अगर यहाँ पर रसिया, जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर रसिया भारत को इग्नोर किया तो देखेंगे ये ब्रिक्स का महत्व भी खत्म हो जाएगा। अगर रसिया को ब्रिक्स को बचाना है तो भारत के पास सुनना होगा, और ब्राज़ील साउथ अफ्रीका को भी भारत के बात को मानना होगा। चीन चाह रहा है कि इस ब्रिक्स में अब पाकिस्तान घुसे, चीन चाह रहा है कि इस ब्रिक्स में बांग्लादेश घुसे, चाइना चाह रहा है कि उसका जो भी दोस्त हो, चाहे ईरान हो या फिर तुर्की है, सब चाह रहा है ब्रिक्स में घुस जाए और ब्रिक्स का पावर बदल जाए। फिर चाइना ब्रिक्स को जो चाहेगा वो करेगा और अमेरिका यूरोप के लिए मोर्चा खोलेगा। दोस्तों चीन का सपना है, और चीन ने बहुत बड़ा बयान दिया, बोला कि भैया ब्रिक्स में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को शामिल हम कर देंगे। दोस्तों ये हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरी बात हमारे सामने में मौका भी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पिछले कई साल से अमेरिका के दबाव में थे। अमेरिका बोल रहा है भैया आखिरकार आप हमारे ग्रुप में आ ही गए हो, ब्रिक्स छोड़ दो ना, ब्रिक्स त्याग दो, ब्रिक्स किस काम का है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने ब्रिक्स नहीं त्यागा, लेकिन अब क्या है, अब समय आ चुका है। अगर चाइना के बातों को रूस मानता है, साउथ अफ्रीका मानता है या फिर ब्राज़ील मानता है, दोस्तों इस ब्रिक्स से तौबा करना ही होगा। मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है, और कि चीन ने बहुत बड़ा चाल चला है, और भारत सरकार कैसे कंट्रोल करेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए और बताऊँगा ब्रिक्स क्या है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग याद कीजिए 2004 और 2005 का साल, यानी कि आज से लगभग 16-17 साल पहले आप देखेंगे तो अमेरिकी मीडिया, यूरोप का मीडिया हर दिन भारत, चाइना, रसिया और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका पर रिपोर्ट छपता था। बोलता था कि इस पांचों को रोकना होगा, यानी कि दोस्तों ब्रिक्स ग्रुप बना पता कब है, 2006 बना है। अब ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था, 2009 में हुआ था, लेकिन उनसे पहले ही ब्रिक नाम कौन दे दिया था, ब्रिक नाम दे दिया था अमेरिकी मीडिया, यूरोप का मीडिया। बोला कि भैया ये खासतौर पर ब्राज़ील, भारत यानी कि इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका को रोकना होगा, ये सब अगर मिल जाए ना तो दुनिया का पावर ख़त्म कर सकता है, हम लोग का तानाशाही ख़त्म कर देगा, ब्रिक्स रोकना होगा, भविष्य में ब्रिक्स बहुत ही ताकतवर बनेगा, यानी कि इंडिया भी अपने आप में पावरफुल बन जाएगा, चीन भी बन जाएगा, रूस भी बन जाएगा, और इतना ही नहीं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब देश पावरफुल बनने वाला है। दोस्तों ये बात संभावना व्यक्त करता था 2004-05 में अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया और वहाँ के थिंक टैंक। दोस्तों जब ये मीडिया में बार बार आना शुरू हो गया, उस समय भारत चाइना अपना दुश्मनी भुला के बोला चलो भैया अगर मीडिया ये बोल रहा है तो सच ही है ना। और दोस्तों ये सच्चाई भी है, उसमें देखेंगे तो चीन कितना गर्व किया, भारत भी कितना गर्व किया, तो तमाम देश मिलकर ब्रिक्स नाम का एक ग्रुप ही बना दिया 2006 में, ठीक है। और बड़ी बात यह दोस्तों, इस ब्रिक्स का काम क्या था, अमेरिका यूरोप का पावर ख़त्म कर देना। लेकिन दोस्तों ब्रिक्स का एक ये भी काम था कि भैया आपस में जो भी मतभेद है हम लोग पहले शांत कर लेंगे। हुआ भी दोस्तों 2004-05 के बाद देखेंगे तो चाइना रसिया बहुत ही नज़दीक आ गया। पहले दोस्तों चीन रसिया अपने आप को दुश्मन मानता था। दोस्तों आज से लगभग 50-60 साल पहले रसिया चीन में युद्ध हो चुका है, यानी कि 1969 में रूस चीन में भयंकर युद्ध हुआ है। इतना ही दोस्तों चाइना कई बार रूस के भूमि पे दबा बोलता है भैया ये तो हमारा ज़मीन है, व्लादिवोस्तोक, दोस्तों जो भी बड़े बड़े भूमि है ना उसको बोलता है कि ये तो हमारा है, यानी कि चीन भी रूस के ज़मीन पे बोलता है ये हमारा ज़मीन है। जिस प्रकार चीन बोलता है कि अरुणाचल हमारा है, सिक्किम हमारा है, उसी प्रकार रूस की भूमि को भी अपना बोलता है, और इसीलिए रसिया चीन का हमेशा विवाद रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब सोवियत संघ टूट रहा था उस समय भी चाइना अमेरिकी पाले में था, यानी कि बहुत बुरा दौर चल रहा था, लेकिन फिर भी ब्रिक्स बनने के बाद चीन और रूस का रिश्ता सुधर गया और आज तो परम मित्र बन चुका है। लेकिन दोस्तों उसमें एक ये भी कहना था कि जो भी देश है अपना अपना दोस्ती बढ़ाएगा, यानी कि भारत चीन को भी मित्रता बढ़ाना चाह। लेकिन दोस्तों भारत ने तो मित्रता निभा लिया, लेकिन चीन ने हमें केवल 2005 के बाद ही लगातार धोखा ही धोखा दिया है। बार बार हमें धक्का मुक्त करता था,
आंख दिखाता था, हर मंच पे हमें नीचे दिखाने का प्रयास करता था, हर समय पाकिस्तान का साथ दिया। यानी कि ब्रिक्स का जब नींव रखा गया उसमें साफ मेंशन था कि पहले ये पांचों देश अच्छा मित्र बन जाएगा, फिर जाके अमेरिका यूरोप का पावर खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, चीन ने भारत को हमेशा छोटा समझा और क्या हुआ, हाल ही में गलवान घाटी भी हो गया, इसीलिए ब्रिक्स का महत्व आज भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह भी है, अगर भारत, चाइना, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिल जाए ना दोस्तों, रातों रात पश्चिमी देश का कीड़ा उखाड़ देगा, ये सच्चाई है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब बड़ी बात तो यह है, इसीलिए भारत मजबूरी में क्वाड बना लिया दोस्तों, क्वाड में वो सक्रिय हो गया, बोला भैया ब्रिक्स बना के भी कोई काम का नहीं है, ना तो चीन हमसे दोस्ती करेगा, नहीं हमारा बात मानेगा, वो मनमर्जी करेगा। इसीलिए भारत ने खास तौर पर क्वाड में अपना एक्टिविटी बढ़ा दिया। अब दोस्तों जब क्वाड में एक्टिविटी बढ़ा दिया तो चीन को पता चला भैया हम तो बहुत बड़ा गलती कर दिए भारत को इग्नोर करके, अब भारत को फिर से वो मान सम्मान देना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब वही चाहना चाहता है कि इसी ब्रिक्स में पता है पाकिस्तान को चाहता जोड़ना, वो चाहता है कि इसी ब्रिक्स में खासतौर पे इंडोनेशिया को जोड़ दे, खासतौर पे तुर्की को जोड़ दे, खासतौर पे ईरान को जोड़ दे। आप बोलेंगे चीन ऐसा क्यों चाहता है? देखिए चीन को पता है कि भैया हम कोई नया ग्रुप बनाते हैं ना, उस ग्रुप में भारत नहीं आएगा। दोस्तों चीन जानता है कि अगर वो कोई नया ग्रुप बनाता है अभी तो इस ग्रुप में भारत नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उस ग्रुप में पाकिस्तान आराम से आ जाएगा, तुर्की आ जाएगा, रूस आ जाएगा, लेकिन भारत नहीं आएगा। और जिस ग्रुप में भारत ना आए तो फिर तो चीन के लिए कोई फायदा ही नहीं है, ये ग्रुप बिना काम का है। चीन चाहता है कि ब्रिक्स में भारत ऑलरेडी है ही, इसी ग्रुप को मजबूत बना दे और अमेरिका का अल्टरनेटिव बना दे। जिस प्रकार से अमेरिका का G7 ग्रुप है, जिस प्रकार से नेटो ग्रुप है, उसी प्रकार से चीन चाहता है कि ब्रिक्स को खतरनाक ग्रुप बना दे और अमेरिका के लिए हमेशा मोर्चा खोलते रहे और यूरोप के लिए मोर्चा खोले। लेकिन दोस्तों भारत चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि पाकिस्तान का एक नेचर रहा है, जब भी कोई मीटिंग होता है उस मीटिंग में वो पाकिस्तान यानी कि भारत को नीचे दिखाने का प्रयास करता है, कश्मीर मुद्दा उठा देता है, हमेशा दोस्तों पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है। कोई भी मीटिंग हुआ यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, दोस्तों ये जो कहावत है ना ये पाकिस्तान पे फिट बैठता है। यानी कि भारत और दुनिया चाहे कितना भी गंभीर मुद्दा बात करे लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इसलिए भारत चाहता है कि पाकिस्तान इस ग्रुप में बिल्कुल ना आए। और दोस्तों चीन हट पे आ हुआ है कि नहीं भैया हम तो पाकिस्तान को लाएंगे, तुर्की को लाएंगे। अगर दोस्तों भारत यहाँ पे ना कर रहा है और अगर रसिया भी ना कर दे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे रसिया चाइना मिल के अगर पाकिस्तान को एंट्री की बात करता है दोस्तों, तो फिर हमें आँख मुन के ये ब्रिक्स छोड़ देना होगा, ब्रिक्स वैसे भी कोई काम का अब रहा नहीं है। दोस्तों ये हमारा खास तौर पे अपना मतलब है, क्योंकि दोस्तों देखिए पाकिस्तान अगर तुर्की और ईरान अगर ग्रुप में आ गया ना, देखेंगे दोस्तों फिर तो चाइना का तीन गो मित्र हो जाएगा, कौन? तुर्की, पाकिस्तान, फिर ये तीनों मिल के अपना ही मरगज सुनेगा, जो इच्छा होगा वही होगा, फिर तो ब्रिक्स का महत्व रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हमें या तो पाकिस्तान को दूर रखना है, तुर्की को दूर रखना है, या फिर ये ब्रिक्स को छोड़ देना ही बेहतर होगा। और अगर इस ब्रिक्स को बढ़ाना ही है, जी हाँ दोस्तों भारत चाहेगा इस ग्रुप को बढ़ाना ही है, तो इसमें किसको शामिल करें? यही को शामिल करें, इतना ही नहीं इजराइल को शामिल करें, इतना ही नहीं जो भी हमारा मित्र देश है ना, खासतौर पर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उसको शामिल करें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान को शामिल करके पता है ये चीन चाल चल रहा है और भारत को फंसाने का प्रयास कर रहा है, और अगर भारत ब्रिक्स छोड़ दिया तो फिर तो ब्रिक्स का कोई महत्व रहने गया दोस्तों। वैसे भी कई सारा गुट है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रूस तो है लेकिन भारत नहीं है, लेकिन क्या है उस ग्रुप का कोई वैल्यू ही नहीं है दोस्तों, कोई मतलब का ही नहीं। इसलिए चाइना चाहता है कि उसके साथ भारत रहे तो ब्रिक्स को आराम से छोड़े, पाकिस्तान को दूर रखे। पाकिस्तान से अधिक डेवलप देश जापान है, इतना ही नहीं पाकिस्तान से अधिक डेवलप देश इजराइल है, बहुत सारे देश है जिसे आप ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ही क्यों लेना भैया? पाकिस्तान तो दाने के लिए तरस रहे, मर रहा है। इसलिए दोस्तों ये ब्रिक्स का खेल अब बड़ा होने वाला है और भारत के पास ऑप्शन है, उसे या तो पाकिस्तान को दूर रखे या फिर ब्रिक्स को ही छोड़ के आराम से पश्चिमी देशों के ग्रुप में शामिल हो जाए।